सो हेलो, वेलकम यू ऑल। आई एम रोहित फ्रॉम मार्जिन ट्रेड। सो गाइज, हम बात करने वाले हैं आज एक शेयर के बारे में, जिसके पिछला हमने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, और उसके मुताबिक इसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। हमारे सारे टारगेट अचीव हो गए थे, और हम फिर से इसमें एक वीडियो बनाने वाले हैं कि इसमें आगे और क्या हो सकता है। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, शेयर्स के अपडेट्स के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने एकदम इजी सा चैट पैटर्न बनाया। तो हम पिछले वीडियो में हमने क्या बात की थी, हमने क्या लॉजिक लगाया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एक डिसेंडल ट्रायंगल जैसा एक पैटर्न बन रहा था, और यहाँ पर ब्रेकआउट इसे मिला और ये ऊपर की ओर गया। लगभग जहाँ पर इसे 519 रुपये के लगभग इसे ब्रेकआउट मिला था, और ये सीधा इसने 613 तक का हाई लगाया था, और उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न जैसा पैटर्न हमें बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा था। और हमने बोला था एक राइजिंग वेज, हम बोल सकते हैं एक राइजिंग वेज जैसा पैटर्न बन रहा था, और हमने बोला था कि ये अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो ये अच्छे हायर हाइज इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 624 625 के समथिंग इसने ब्रेकआउट दिया, और आप देख सकते हो ये स्टॉक लगभग 703 704 700 के आसपास ये स्टॉक गया था, और वहाँ पर से फिर से नीचे की ओर आया। तो हमें बोल सकते हैं कि ये रिटेस्ट करने आया हो, क्योंकि ये यहाँ पर फिर से इसने सपोर्ट लिया है। इसने जहाँ पर ब्रेकआउट दिया वहीं पर एक सपोर्ट ले रहा है। हमने इस ट्रेड लाइन को बड़ा किया है, बढ़ा दिया, तो यहीं पर सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक माइल सा सपोर्ट हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन को थोड़ा हम नीचे करेंगे, हाँ, तो यहाँ पर एक सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये सपोर्ट काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट इसने लिया है, तो ये नीचे की ओर आने की अभी कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर से हमें यहाँ पर बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। तो हमें इसमें बाय कब करना चाहिए, तो आप देख सकते हो इसका हमें वेट करना होगा इस लेवल तक आने का। इस लेवल तक ये जैसे ही आता है और यहाँ पर इसे ब्रेकआउट मिलता है तो ये 800 तक भी जा सकता है, 800 700 तक ये ईजिली जा सकता है, और ये 700 तक ईजिली गया था जैसे इसे ब्रेकआउट मिला था, तो यहाँ पर भी ये जा सकता है अगर इसे अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो। तो अगर हम यहाँ पर भी एक लाइन बना दें, आप देख सकते हो, तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलना जरूरी, यहाँ पर भी अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो अच्छा हमें हाई राइज देखने को मिल सकता है। बट बाय चांस इसने अगर नीचे की ओर ही ब्रेकआउट दे दिया तो ये नीचे की ओर भी आ सकता है, और कहीं पर भी सपोर्ट लेकर ये फिर से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो हमें वेट करना होगा यहाँ इस लेवल तक आने का, या फिर इस लेवल पर ब्रेकआउट मिलने का। सो गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।